यात्रा सीजन का उत्तराखंड में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं यात्रा सीजन के पीछे पीछे मॉनसून सीजन भी बिन बुलाए मेहमान की तरह हर बार सरकार की चुनौती बनता है। तो वहीं इस मॉनसून सीजन के दरमियान कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर हर बार सड़कें बाधित होती है भूस्खलन के चलते। तो आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कौन से वो डेंजर पॉइंट है जहाँ पर हर बार भूस्खलन के जरिए मार्ग बाधित होता है, तो वहीं सरकार की और लोक निर्माण विभाग की इन डेंजर पॉइंट को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। जो आपका मेन है थकनी धार वाला, उसमें ट्रीटमेंट हो चुका है जी। और कई सालों से सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा, आपके बद्रीनाथ में लामबगड़ है जी, तो बद्रीनाथ जाते से पहले उसमें ट्रीटमेंट हो चुका है, वो भी सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा। उसके अलावा टोटल मैंने आपको 24 बताए हैं जी, तो कई परियोजनाओं पर फिलहाल अभी काम चल रहा है। अच्छा। क्योंकि अभी चार धाम में जो काम सेंक्शन हुए हैं उनका कार्य प्रगति में है और उम्मीद है कि ये सब हमारे पॉइंट्स जो है एड्रेस हो जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के तहत अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो तकरीबन 74 लैंडस्लाइड जोन है जहां पर सड़कें सबसे ज़्यादा बाधित होती है। यात्रा रूट की अगर हम बात करें तो यात्रा रूट पर 24 लैंडस्लाइड जोन है, लेकिन विभाग द्वारा लगातार इन्हें खुले रखने का प्रयास किया जाता है और लैंडस्लाइड जोन पर तमाम जो उपकरण हैं उनको तैनात किया जाता है और इसके अलावा जो है वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था की जाती है। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।